नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शहर की बढ़ती जनसंख्या के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य विकल्प भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही लोक परिवहन के साधनों के बीच भी सवारियों की मारामारी भी होना आम बात है। ऑटो चालकों की समस्याओं और हड़ताल को लेकर गुरुवार को भगवा ऑटो यूनियन ने प्रेस से चर्चा की। भगवा ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बीते कई सालों से आरटीओ अधिकारी जितेंद्र रघुवंशी की मनमानी से ऑटो चालक परेशान है। दरअसल साल 2022 में भी 2016 के चालान शुल्क वसूले जा रहे हैं। परमिट और फिटनेस के नाम पर भी गरीब ऑटो चालक परेशान हैं। साथ ही ओला, उबर, रैपिडो जैसे अवैध लोक परिवहन नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं और इन पर आरटीओ का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए अब ऑटो चालक 9 मई को हड़ताल करेंगे। ऑटो चालकों ने मांग की है कि कोविड काल में जनसेवा करने वाले ऑटो चालकों की सुनवाई हो और साल 2021 तक का चालान शुल्क माफ किया जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर 9 मई को हड़ताल की जा रही है। देखिए, ऑटो चालक के साथ बहुत मनमानी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हैं। लेकिन जितेंद्र रघुवंशी जैसे भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारी जो 10-10 साल 12-12 साल से एक ही कुर्सी पे जमे हुए, इतने वर्षों से भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है और गरीबों का इतना शोषण हो रहा है और खास तौर पर ऑटो चालकों का इतना शोषण हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। बाइक टैक्सियाँ चल रही हैं, ओला, उबेर, जुगनू, मैक्सिमो, रैपिडो, ये कंपनियाँ फर्जी रूप से इंदौर में चल रही हैं, बगैर परमिशन के चल रही हैं। और ये हमारे ऑटो चालक जो 6-6 घंटे स्टैंड पे खड़े रहते हैं, उनकी सवारियाँ छीन के ले जाते हैं ये लोग। और इसके ऊपर आरटीओ द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितेंद्र रघुवंशी के द्वारा। उनको ज्ञापन भी हमने दूसरे महीने 17 फरवरी के दिन दिया था, लेकिन आज इतने 2 महीने होने को आए, उस ज्ञापन का भी कोई निराकरण नहीं हुआ। हम 4-4 बार जाके मिल लिए पर्सनल, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ में ई चालान 2021 तक के हम माफ़ करने का आदेश मतलब निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आदेश भी निकला था बीच में कि भाई माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमने इसके लिए भी कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय, कमिश्नर साहब, आरटीओ जी, ट्रैफिक थाना, सभी जगह हमने आवेदन दिया, निवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि पवन जैन जी का हमारे पास स्टेटमेंट है, वीडियो है उनका, उन्होंने खुद ने बोला कि हम बाइक टैक्सी बंद करेंगे, लेकिन आज तक बाइक टैक्सियाँ बंद नहीं हुई। और ऑटो चालक का पूरा शोषण हो रहा है, भयंकर तरीके से ऑटो चालक को लूटमार मचाई जा रही है, डंडाराज चल रहा है शहर के अंदर और भ्रष्टाचार चरम पर है। आगे क्या रणनीति ऑटो चालक को लेकर आप? हमारी रणनीति ये है कि हम 9 मई के दिन सोमवार को ऑटो की हड़ताल करेंगे, रिक्शा हड़ताल रहेगी उस दिन 9 मई के दिन। और साथ में नायता मुंडला पर जितेंद्र रघुवंशी का हम 25,000 ऑटो चालक घेराव करेंगे, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी आज 10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं, किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। वो अपने आरटीओ ऑफिस को अपना घर समझते हैं, अपनी मनमर्जी आती बैठते हैं, अपनी मनमर्जी आती अपने हिसाब से काम करते हैं, ऑटो चालक की कोई सुनवाई नहीं करता। इसके खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। 9 मई को हमारी ये हड़ताल है सोमवार के दिन, और बाइक टैक्सी और ई चालान को लेकर के हमारी ये हड़ताल है। ई चालान हम चाहते हैं कि 2021 तक के हमारे माफ़ किए जाए और बाइक टैक्सी जो अवैध रूप से चल रही है उसे बंद किया जाए। आपका नाम बताइए? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।